देहरादून में कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर का शिलान्यास, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रखी आधारशिला, जल्द बनकर तैयार होगा भर्ती सेंटर। पौड़ी में कैबिनेट बैठक पर सियासत, कांग्रेस ने सरकार पर लगाया पैसे की बर्बादी का आरोप, कमिश्नरी के 50 साल पूरे होने पर रखी गई विशेष कैबिनेट बैठक। टीरी में पेंशन न मिलने से परेशान हजारों पेंशन धारक, ऑनलाइन सिस्टम में गड़बड़ी के चलते जनवरी से नहीं मिली है पेंशन। रुड़की में खंभे से टकराने के बाद कार में लगी आग, भगवानपुर में हुआ भीषण हादसा, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। उत्तरकाशी में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है और यहां के मोरी बाजार में बारिश के चलते एक नाला उफान पर आ गया। भीषण बारिश के चलते नाले में मलबा और पेड़ तक बहकर आने लगे और इससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। सीजन की पहली ही बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ाने का काम किया। बरसाती नाले में बहकर आया मलबा दुकानों में घुस गया। वहीं उत्तरकाशी प्रशासन को सूचना मिली तो राहत बचाव का कार्य भी शुरू किया गया। भागो भागो, सैलाब आया। उत्तराखंड में एक बार फिर आई तबाही। उत्तरकाशी में पानी का खौफनाक शोर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सैलाब मानो सब कुछ अपने में समा लेना चाहता हो। रास्ते में जो भी आए उसे अपने साथ ले जाने को बेताब है। तबाही की ये तस्वीरें उत्तरकाशी के मोरी बाजार की हैं, जहां सड़क पर सैलाब ही सैलाब आ गया है। तबाही के इस मंजर से सभी सकते में आ गए और भागो भागो की आवाज आने लगी। उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। उत्तरकाशी में भी मूसलाधार बारिश के बाद मोरी बाजार का एक छोटा नाला उफान पर आ गया। इस रौद्र नाले का जोर कितना था, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसमें मलबा और पेड़ तक बहकर आने लगे। नाले में मलबा और पेड़ आने से मेन रोड बंद हो गई। इस सीजन की जिले में पहली बरसात में ही कुदरत का कहर देखने को मिला। बरसाती नाले का बहाव इतना तेज था कि आसपास रह रहे दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। लोग उफनते नाले की फोटो और सेल्फी लेते नजर आए। पहली बरसात से आई इस तबाही से कई दुकानों के अंदर पानी और मलबा घुस गया, जिससे दुकानों से सामान हटाने को लोग मजबूर हो गए। कई दुकानों का सामान भी बरसात के पानी में बह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चले पानी के बाद अब बात करते हैं धधकती आग की। उत्तरकाशी में जंगलों में धधकती आग अभी तक नहीं बुझी है। उत्तरकाशी के विकासखंड डांग पोखरी के जंगलों में लगातार आग लगी हुई है और जंगल इससे जलकर खाक हो रहे हैं। डांग गांव की बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों बच्चों ने आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाला। गांव वासियों ने चीड़ के छोटे छोटे पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधे थे और उनको बचाने के लिए महिलाओं ने पूरे जंगल में पूरे दिन भर आज मेहनत की आग को बुझाने के लिए, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल गई कि वन विभाग और इसके साथ साथ निम कर्मचारियों के भी पसीने छूटे। दरअसल उत्तरकाशी, हमने जैसे कि जानकारी दी थी कि अगर हम देखें तो यह बहुत संवेदनशील जिला है, जहां एक तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है। हमने कुछ देर पहले आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई जहां मूसलाधार बारिश के चलते एक छोटा सा नाला रौद्र रूप धारण करता है। दूसरी तरफ देखिए जंगलों में आग लगी हुई और कितना बड़ा वन क्षेत्र जलकर खाक हो रहा है। ऐसे में चलिए प्रशासन का इंतजार तो नहीं किया तो लोगों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि यहीं के बड़े बूढ़ों ने बुजुर्गों ने इन जंगलों को रोपा, एक एक पौधे को यहाँ लगाया है और वो आज पेड़ बने, तो ऐसे में वो जलते हुए खुद उनको नहीं देख सकते थे। ऐसे में महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग सब एकजुट हुए और उन्होंने खुद कोशिश की आग बुझाने की, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में आग लगी है कि उनका इस पर पार पाना आसान नहीं है, बड़ा चुनौतीपूर्ण है।
रुड़की में अनियंत्रित होने से एक तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे कार में भीषण आग लग गई और हादसा भगवानपुर कलियर रोड पर इमलीखेड़ा के पास में हुआ। गनीमत रहे कि आनंद फानंद में कार सवार ने कूद कर अपनी जान बचाई और दमकल विभाग ने गाड़ी पर काबू पाया। तो आग पर काबू पाया गया दमकल विभाग की तरफ से, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक पूरी तरह से जलकर ये गाड़ी खाक हो गई थी और महज एक लोहे का की अगर हम बात करें तो उसमें तब्दील ये हो गई, लोहे का ढांचा बन गए थे क्योंकि भीतर जो सामान था सब जलकर खाक हो गया। तो भगवानपुर और कलियर रोड पर इमलीखेड़ा की यह घटना है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की पौड़ी में होने वाली बैठक को लेकर अब सियासत भी तेज होने लगे हैं। भले ही त्रिवेंद्र सरकार पौड़ी में गढ़वाल कमिश्नरी के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली मनाने जाएगी, इस मौके पर पौड़ी जिला मुख्यालय में सरकार ने कैबिनेट की बैठक का फैसला लिया है और अब इस बैठक से पहले ही विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ कैबिनेट के नाम पर लाखों करोड़ों रुपयों को ठिकाने लगाने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिश्ट ने कहा है कि इस बैठक से पौड़ी के स्थानीय लोगों की समस्याओं से इनका कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि सरकार पौड़ी के स्थानीय लोगों की चिंता करती, स्थानीय लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाती। वहीं बीजेपी पौड़ी में होने वाली कैबिनेट की बैठक को पलायन से जोड़कर देख रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार पलायन को रोकने के लिए ही पौड़ी में कैबिनेट की बैठक कर रही है। तो पौड़ी में ये कैबिनेट की बैठक होनी है और ये अपने आप में पहला वाक्या होगा जब पौड़ी में इस तरह की कैबिनेट की बैठक होगी। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का विरोध करेंगे। उत्तराखंड में बसपा को झटका लगा है और प्रदेश सचिव समेत प्रमुख पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा देने के पीछे की वजह पार्टी की नीतियों को बताया है। परिवारवाद पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल कुछ दिन पहले ही कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अगर हम बात करें मायावती के भतीजे को, इसके साथ साथ मायावती के भाई आनंद को, उनको भी पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब पार्टी की जो नीतियां हैं उस पर नाराजगी जाहिर की है और उसी नाराजगी के चलते अपना इस्तीफा दिया है। बसपा को ये बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड के एक हिस्से में बसपा को ठीक मजबूत माना जाता है, एक जो बेल्ट है उसमें मजबूत माना जाता है बसपा को, और ऐसे में एक बड़ा झटका है और प्रदेश सचिव और इसके साथ साथ दूसरे प्रमुख पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है और वजह बताई है पार्टी की नीतियां और इसके साथ साथ परिवारवाद। तो ये परिवारवाद का हम जिक्र कर रहे थे कि ये परिवारवाद ने कांग्रेस को दबाया और इसी परिवारवाद के चलते अब मायावती को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। इससे पहले बीजेपी ने सवाल उठाया और ये कहा कि मायावती भी उस राह पर चल पड़े हैं और पूरी की पूरी विरासत अपनी वो अपने परिवार के लोगों को दे दिए एक तरीके से, क्योंकि उपाध्यक्ष बनाया गया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। हिमांशु हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, कितना बड़ा झटका मायावती के लिए, क्योंकि उस बेल्ट में अगर हम बात करें जो ये उधम सिंह नगर या हरिद्वार की जो बेल्ट है, इस बेल्ट में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है बसपा का, ऐसे में बड़े बड़े पदाधिकारियों के इस्तीफा एक बड़े झटके के तौर पर क्या इसको देखा जा रहा है? हिमांशु, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है। चले एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं।
पौड़ी में होने वाले कैबिनेट बैठक को लेकर जहां राजनीतिक दलों में सियासत तेज हो गई है, वहीं कोटद्वार में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में पहुंचकर बीजेपी सरकार और कोटद्वार के विधायक हरक सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र भेजा। पूर्व राज्य मंत्री जसबीर राणा ने कहा कि पौड़ी जिले में होने वाले कैबिनेट की बैठक को देखते हुए हमने 11 सूत्रीय मांग को लेकर एक मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है, जिसमें कोटद्वार को जिला बनाने, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा, चिलरखाल मोटर मार्ग जैसी कई मांगें इसमें शामिल हैं। वहीं पौड़ी में होने वाली कैबिनेट बैठक पर भी कहा कि अगर कैबिनेट बैठक में पहाड़ से हो रहे पलायन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो हम हंगामा करेंगे, और अगर इस तरह का कोई कदम उठाती है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और इस तरह के मुद्दों पर तो हम इसका स्वागत करेंगे, नहीं तो एक दिन का पिकनिक ही इसको माना जाएगा। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। हरिद्वार से लोकसभा सांसद और केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ चुनाव याचिका जो दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई आज हुई और नैनीताल हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। देहरादून निवासी मनीष वर्मा ने रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ दरअसल याचिका दाखिल की थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को न्यायालय के सामने रखा गया था। दरअसल याचिका में कहा गया कि रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री आवास के 2,60,00,000 रुपए नहीं दिए हैं। इसके अलावा निशंक ने चुनावों के नामांकन में अपनी डिग्री का विवरण नहीं दिया है और इसके साथ साथ निशंक की बेटी के 100,00,000 के मेडिकल कॉलेज निर्माण का कोई भी विवरण नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक न्यायालय ने कहा कि निशंक को राज्य सरकार 68,00,000 रुपये राज्य सरकार को देने हैं, और इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने याचिका में निशंक के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान स्टाडिया घोटाले और 30 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फर्जी कंपनियों को देने का भी जिक्र किया है। उत्तराखंड में भारत का 5वां कोस्ट गार्ड का भर्ती सेंटर आज खुलने जा रहा है, और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस भर्ती सेंटर के लिए उन्होंने भूमि का शिलान्यास किया। ये भर्ती सेंटर की अगर हम बात करें तो देहरादून के कुआंवाला में इसको बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास कर दिया मुख्यमंत्री ने। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड में कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर खुलने से उत्तराखंड के युवाओं को कोस्ट गार्ड में रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्य है, ऐसे में कोस्ट गार्ड SDRF के जवानों को आपदा से राहत और बचाव के तरीकों के लिए प्रशिक्षित करेगा। टिहरी जिले में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते पेंशन धारकों को जनवरी महीने से पेंशन नहीं मिली है, जिस कारण पेंशन धारक समाज कल्याण विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। जिले में करीब 71,500 पेंशन धारक हैं, जिसमें 16,000 पेंशन धारकों को जनवरी महीने से पेंशन नहीं मिली है। ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बाद भी कई पेंशन धारकों के नाम गलत चढ़े हैं, तो कई लोगों का खाता गलत बताया जा रहा है। वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी वो कह रहे हैं कि RBI के सॉफ्टवेयर में तकनीकी दिक्कतों के चलते परेशानी हो रही है, जिसे ठीक कर लिया गया है और जल्द ही पेंशन भी मिल जाएगी। कोई व्यक्ति अगर हमारे पास कंप्लेन करने आता है, जब वो ये कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं।
हरिद्वार में जिला योजना की अहम बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई, जिसके चलते प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज को केवल 45 मिनट में जिला योजना की बैठक को खत्म करना पड़ा। दरअसल जिला योजना की बैठक में जिले के सभी विधायकों के अलावा जिला पंचायत सदस्यों को भी बुलाया गया था, लेकिन विधायक निधि के तर्ज पर जिला पंचायत की निधि बढ़ाने के लिए जिला पंचायत सदस्यों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद आनंद फानंद में मंत्री को जिला योजना की बैठक समाप्त करनी पड़ी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जिले में विकास कार्यों के लिए 45 करोड़ 75 लाख का बजट रखा गया है। हंगामे के चलते बैठक में मौजूद कई विधायकों और जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव तक नहीं लिए जा सके। तो हरिद्वार में जिला योजना की बैठक में हंगामा हुआ। दरअसल महाराज सतपाल महाराज वहाँ मौजूद थे, बैठक हुए थे, और पंचायत निधि बढ़ाने की मांग जब लगातार की गई, उसको लेकर हंगामा शुरू हो गया, तो फिर ये बैठक पहले ही खत्म करनी पड़ी। साल 2021 में होने वाले कुंभ मेले के लिए मेला अधिकारी की नियुक्ति होते ही कुंभ के कार्यों के लिए कवायद भी शुरू हो गए। उत्तराखंड सरकार ने कुंभ कार्यों के लिए केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है, और इसके अलावा राज्य सरकार कुंभ के दौरान ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए भी योजना बनाने में जुट गए हैं। दरअसल अभी जो अर्धकुंभ उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ, ऐसे में अब हरिद्वार में भी कुंभ की तैयारियां की जा रहे हैं, और उसके लिए एक विशेष फंड की दरकार है। वो फंड की डिमांड भी केंद्र सरकार से की गई है। और इसके साथ साथ अगर हम हरिद्वार की बात करें तो चूंकि यहाँ पर ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, कुंभ होगा तो हजारों करोड़ों लोग पहुँचते हैं, तो ऐसे में उन सभी लोगों को उस क्षेत्र में रखवाना, सभी जो है घाटों पर जाकर स्नान भी करें, क्योंकि सभी अखाड़े यहाँ पर पहुँचेंगे, तो ये बड़ी चुनौती होगा। तो एक पूरा का पूरा मैप, रोड मैप तैयार उसके लिए किया जा रहा है, और उसके लिए धनराशि की भी आवश्यकता होगी। तो अब मंथन उस पर शुरू हो गया है, और 5,000 करोड़ की डिमांड इसके लिए की गई है। रुद्रपुर पुलिस ने एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया, और आरोपी के पास से एक तमंचा, एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस समेत एक सेंट्रो कार भी बरामद की गई है, और पुलिस ने गैंगस्टर को संरक्षण देने वाले के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। रुद्रपुर कोतवाली इलाके में कई वारदातों को अंजाम देने के बाद वांछित चल रहे गैंगस्टर योगेश उर्फ बंटी चंद को पुलिस ने नेतानगर दिनेशपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में 7 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 22 दिसंबर 2018 को सिटी क्लब के सामने 2 बदमाशी गुटों में हुई गोलीबारी भी इसमें शामिल है। कुछ दिन पहले रोडवेज स्टेशन के बाहर हवाई फायरिंग का मामला कोतवाली में दर्ज था, और इससे पहले भी बंटी के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास और गैंगस्टर की धाराओं में कोतवाली में मुकदमे दर्ज हैं। अरे जाओ तो सही। फोटो मोबाइल में नहीं की। मॉनसून सीजन आते ही बाजारों में तरह तरह के फलों की भरमार हो जाती है, जिसका असर बाजारों में दिख रहा है। बरसात शुरू होते ही बाजारों में फलों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिस कारण फलों की खूब बिक्री भी हो रही है, लेकिन सेहत के लिए लाभदायक फल लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण केमिकल और रसायन है। इसके जरिए फलों को पकाया जा रहा है, और इन केमिकल से पके हुए फलों का ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से कई तरह की बीमारियाँ, कैंसर तक होने का खतरा होता है, और फलों के इस सीज़न में केमिकल से पकाए गए फलों का भी खतरा बढ़ गया है। दरअसल फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस, कार्बाइन और इसके साथ साथ एथरेल 39 रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत के लिए बेहद ख़राब है। रुड़की तहसील प्रशासन को पिछले लंबे समय से अवैध तरीके से रेस्टोरेंट चलाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट में भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें और हुक्के का सामान बरामद किया है। साथ ही प्रशासन ने रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला, और इस दौरान रेस्टोरेंट मालिक और इसके साथ साथ एएसडीएम की तीखी नोकझोंक भी हुई। इस मामले में रुड़की
एएसडीएम रविंद्र सिंह का कहना है कि रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस के बार चलाया जा रहा था और इस पर कार्रवाई की गई है। वही रेस्टोरेंट मालिक ने बार के लाइसेंस का आवेदन किया हुआ था, जिसको रद्द करने की संस्तुति भी की जाएगी। पूरा उत्तर भारत, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है, भीषण गर्मी से तप रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में बढ़े हुए तापमान ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। ऐसे में सभी लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं। कुछ हिस्सों में जरूर मौसम ने पहली बारिश ने दस्तक दी, लेकिन अभी तक ज़्यादातर हिस्सों में बारिश नहीं हुई है। ऐसे में अभी कुछ दिन और लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है, जिससे प्रदेश के लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि यही मौसम विभाग था जिसने पहले कहा था कि 18 तारीख के बाद मौसम मानसून दस्तक दे देगा, लेकिन अभी तक मानसून ने दस्तक दी नहीं है। हरिद्वार में आर्टिकल 15 फिल्म पर ब्राह्मण और संत समाज के विरोध के बाद हरिद्वार पेंटागन मॉल में लगी फिल्म को बंद कर दिया गया। आज फिल्म के रिलीज वाले दिन श्री ब्राह्मण सभा, परशुराम सेना समेत सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग हरिद्वार के पेंटागन मॉल पहुंचे और फिल्म पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। हालांकि कई संगठनों के द्वारा पहली फिल्म को लेकर उग्र चेतावनी की जानकारी दी गई थी। उग्र चेतावनी का अल्टीमेटम दिया गया था, जिससे पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। हल्द्वानी के काट गोदाम में गौला नदी पर बना पुल प्रशासन की बेरुखी के चलते अब खतरे की जद में आ गया है। ब्रिटिश काल में बना काट गोदाम का ये पुल इतना क्षीण क्षीण हो गया है कि हल्की सी आपदा में ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है, और प्रशासन ये सब देखकर भी किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बना हल्द्वानी के काट गोदाम का ये पुल अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। हल्द्वानी से गौलापार, चोर गलिया, खटीमा और टनकपुर समेत नेपाल को जोड़ने वाला ये पुल न सिर्फ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हल्द्वानी की मंडी से पहाड़ों को जाने वाली खाद्य सामग्री भी इसी पुल से होकर गुजरती है। लेकिन इस पुल के पिलर अब पूरी तरह से जर्जर हो गए हैं। इसके पुल के नीचे पिलर जो हैं सब खराब हो चुके हैं और बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में है, तो इसमें हैवी ट्राले काफी चलते हैं, तो ये पुल कभी भी किसी वक्त गिर सकता है, तो प्रशासन के द्वारा कोई इसमें कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय प्रशासन की बेरुखी और खनन माफियाओं के बेधड़क खनन की वजह से ये पुल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। खनन माफियाओं ने पुल के पिलरों की जड़ें तक खोद दी हैं। बावजूद इसके पुल की रिपेयरिंग होनी तो दूर, प्रशासन को आमजन की भी चिंता नहीं है। स्थानीय लोगों ने इस पुल की खराब हालत को देखते हुए कई बार लोक निर्माण विभाग, जिला प्रशासन समेत कई अधिकारियों को अवगत करा, मगर निरीक्षण से आगे कार्रवाई नहीं। ये पुल की हालत जीर्ण शीर्ण बिल्कुल खराब होती जा रही है। कई बार विभागीय अधिकारियों से अवगत करा चुके हैं, निरीक्षण बार बार होता पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये पुल एक पुण्यागिरी और खटीमा सितारगंज लाखों आबादी से जोड़ने जा रहा है, जो कि ये बड़ी एक हमारे क्षेत्र के लिए एक बड़ी घटना है कि अगर कोई इस पर घटना हो गई तो मुझे लगता है कि आने वाले बरसात में ये पुल शायद इस हालात में रह नहीं पाएगा। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन का कहना है कि वो पहले भी इस पुल का निरीक्षण कर चुके हैं और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस पुल की रिपेयरिंग के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की बेरुखी को देखकर लगता है कि अधिकारी ना तो व्यवस्था को लेकर गंभीर हैं और ना ही आमजन की सुरक्षा को लेकर। बरसात के मौसम से पहले ही इस पुल की मरम्मत का कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन पुल की मरम्मत का कार्य शुरू ना होने से उसमें सफर करने वाले लोग भी खतरे के साए में सफर करने को मजबूर हैं। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट।